नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, 1750 सीटों पर मेरिट के आधार पर ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण ऑनलाइन आवेदन शुरू। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है शुरू जो है 25 मई 2022 से 25 जून 2022 तक है। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट बता रहा हूँ, जो अभ्यर्थी जो भी ANM का जो है कोर्स करना चाहती हैं, जो भी बहनें ANM का कोर्स करना चाहती हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 1750 सीटों पर जो प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं वह आप लोग को मैं पूरा दिखाने जा रहा हूँ। यह देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था 13 मई को। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी जो है फिर से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों यह सरकारी सीट है, बहुत कम फीस आप लोग की लगेगी। वर्ष 2022 में सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ ANM के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रवेश के 35 ANM प्रशिक्षण केंद्रों में 1750 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। विभागीय वेबसाइट, यही वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर पोर्टल पर जो है 25 मई से 25 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता अर्हताएं मांग रखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण हो, इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा दोस्तों यह भी जो है आप देख सकते हैं 12 मांगा रखा है। आवेदन शुल्क जो है सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये है और OBC SC ST के लिए 100 रुपये रखा है। आरक्षण भी इसमें दिया है दोस्तों, आरक्षण प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जो उपरोक्ता अनुसार न्यूनतम अर्हता रखती हैं, और 20% जो है रखा गया है यह आशा कार्यकर्त्री आशा संगनी, इन सभी के लिए कम से कम 5 वर्ष आशा कार्यकर्ती आशा संगनी के रूप में विभागीय NHM के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो। 20% सीटें जो है इन लोगों के लिए है। आयु सीमा जो रखी गई है दोस्तों 17 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, देखिए अभ्यर्थियों के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा से में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आयु आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता मेरिट बनेगी। उत्तर प्रदेश सहायक नर्सेज मिडवाइफ प्रशिक्षण विनियम अनुदेश 2022 दिनांक 28/4/2022 के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों समस्त जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जो है अभ्यर्थी संपूर्ण जानकारी के साथ यह फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल महिला उम्मीदवार, महिला अभ्यर्थी ही यह फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो दोस्तों फटाफट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो न्यूज़ बता रहा हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूँ। सरकारी सीटों पर अगर प्रशिक्षण करना है ANM के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है, इसको गंवाए ना। जो इच्छुक ANM का कोर्स करना चाहती हैं, जो भी बहनें, केवल महिलाओं के लिए यह सीट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितनी भी ANM बहनें हैं जो ANM का कोर्स करना चाहती हैं, जिन्होंने किया है और जो भी मन बनाई हैं कि हमको यह कोर्स करना है बहुत अच्छा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें रियल और ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए। तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी न्यूज रहती है मेरे द्वारा रियल और ऑथेंटिक रहती है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।